शुक्रवार को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने गोकुलदास कन्या डिग्री कॉलेज द्वारा सफाई कर्मचारी को हटाए जाने को लेकर कलेक्टर पर जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। शुक्रवार को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन के बैनर तले तमाम सफाई कर्मचारियों ने गोकुलदास डिग्री कॉलेज द्वारा महिला कर्मचारी जो लगभग 4 से 5 वर्ष से सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत थी, लेकिन अचानक बिना कोई नोटिस दिए महिला कर्मचारी को हटाए जाने से नाराज कर्मचारियों ने कलेक्टर पर प्रदर्शन किया, साथ ही एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। संजय समर्पित ने कहा कि महिला सफाई कर्मचारियों को गोकुलदास डिग्री कॉलेज द्वारा जो कार्य से हटाया गया है उन्हें कार्य पर रखा जाए, नहीं तो संगठन महिला सफाई कर्मचारी को न्याय दिलाने हेतु गोकुलदास डिग्री कॉलेज में परिवार सहित धरने पर बैठने को मजबूर होगा। हम ये आज जो मैं तो उत्तर प्रदेश की सफाई मजदूर संघ चलाता हूँ, लेकिन ये आज जो समस्या है एक ही सफाई कर्मचारियों की समस्या है, इसलिए हम सभी संगठन के लोग आज सफाई कर्मचारी को न्याय दिलाने के लिए जिला अधिकारी महोदय जी से मांग कर रहे हैं। क्या मामला है? मामला यह है साहब कि ये जो हमारी एक महिला सफाई कर्मचारी है ये लगातार 5-6 वर्षों से गोकुलदास डिग्री कॉलेज के अंदर सफाई के कार्य कर रही थी, लेकिन अचानक 8/6/2022 को इन्हें कार्य से हटा दिया, 18 से इन्हें हटा दिया कार्य से। इसको लेके हम कॉलेज प्रशासन से के पास गए तो उन्होंने इनके पति को झूठे मुकदमे में भी फंसा दिया, तो इसी संबंध में हमने पूर्व में भी जिलाधिकारी महोदय को उनसे ही मांग की इस महिला कर्मचारी ने कि मुझे कार्य पर रखा जाए, लेकिन और श्रम आयुक्त महोदय से भी हमने की बात है। ये 29 तारीख को कितने दिन हुआ? 15 दिन से अधिक समय हो गया। क्या मांग करना चाहते हैं? अब हम ये मांग करना चाहते हैं कि महिला सफाई कर्मचारी को न्याय हो, अगर इन्हें न्याय नहीं मिलता है तो हम कॉलेज परिसर के अंदर महिला सफाई कर्मचारी के साथ धरने में बैठने में मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन की होगी।